हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पबजी मोबाइल के ना तीन ऐसे कमाल के ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज आप अपने डेली के मैचेस में कर सकते हैं और इजीली चिकन डिनर विन कर सकते हैं, रैंक पुश कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बंदों को किल कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको TDM वेयरहाउस की भी एक कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी TDM वेयरहाउस के मैचेस में। तो यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चलिए हम सीधे वीडियो में चलते हैं। वीडियो स्टार्ट कर उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो का यार 5000 लाइक कर देना यार, 5000 से 5000 बोल रहा हूँ यार, ज़्यादा नहीं है ना, पूरा कर दो यार, मुझे भरोसा है आप लोग पूरा कर दोगे। और अगर आप एक नए व्यू हो रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। यहाँ पे आपको हर टाइप के मैचेस देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप बेटिंग कर सकते हो। एवरी सिंगल मैच यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, क्रिकेट, फुटबॉल एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे आप जैसा कि खुद देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे रिकमेंडेड मैचेस चलते हैं। साथ में ही दोस्तों यहाँ पे अगर आप अभी रजिस्टर करते हो तो यहाँ पे आपको $100 का जो है बोनस मिलता है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे वन क्लिक में रजिस्टर करना है, प्रोमो कोड में आप इन्फिनिटी गेम डाल दो, उसके बाद रजिस्टर कर दो। जितना डिपॉजिट इसमें करोगे उसका जो है आपको पूरा 100% कैशबैक मिलेगा, लाइक $100 डिपॉजिट करो $100 कैशबैक। तो जल्दी जाके इसमें रजिस्टर कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों जो हमारी सबसे पहली ट्रिक है ना, ये TDM वेयरहाउस में वर्क कर रही है। जहाँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है अगर हम एक गन लेके बाहर चले जाते हैं फाइट करने तो हमारी एमओ खत्म हो जाती है, तो वापस से हमें अपने एरिया में आके एमओ लेनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे अगर आपके एमओ खत्म हो जाती है बिना आए आप पूरा का पूरा बहुत सारे एमओ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मेरे बैग में अभी एक भी एमओ नहीं बचा है और गन में भी एमओ नहीं है, मैंने सब नीचे ड्रॉप कर दिया और यूज़ कर लिया है, पूरा रेड कलर में आ रहा है गन। तो आपको सिंपली अपने गन को ड्रॉप कर देना है नीचे, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आइए मैं वापस से अपना गन लेता हूँ एक दो सेकेंड बाद। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए और मेरे गन में आप देख सकते हैं 180 एमओ आ चुकी है, 180 एमओ टोटल। तो यार सोच लो, बिना मैं अपने एरिया में गए इतना सारा एमओ ले लिया। काफ़ी बार हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर 30-30 ऐसे एमओ जो है लेने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों सिंपली आप क्या काम करो, अपना गन ड्रॉप कर लो, उसके बाद गन उठा लो, वो वापस से जो है आपको एमओ आ जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने अपना एमओ सारा का सारा नीचे गिरा दिया है। उसके बाद मैं अपने गन की भी सारी एमओ ख़त्म कर देता हूँ और ये रेड कलर में हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब सारी एमओ ख़त्म हो चुकी है। बैग में भी आप देख लीजिए एमओ नहीं है। गन ड्रॉप करने के आपको एक या दो सेकेंड बाद वापस से अपने गन को उठा लेना है और आपको 180 एमओ मिल जाएगी प्लस 4x मिल जाएगा। मतलब यार काफ़ी कमाल की ये ट्रिक है ना, आप में से मुझे नहीं लगता कि किसी को ये ट्रिक पता रही होगी, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम इसे स्नाइपर में ट्राई करें, स्नाइपर में तो भाई ये ट्रिक नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं Kar98 की सारी एमओ ख़त्म कर रहा हूँ और मेरे बैग में अभी 7 के एमओ नहीं है और मैं एमओ सारी ख़त्म कर दिया। अब मैं इसे ड्रॉप करता हूँ नीचे, वापस से जब उठाऊंगा तो आप देख लेना आपके सामने ही मेरे जो गन है इसमें एक भी एमओ नहीं आई हुई है Kar98 में। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी AR गन में शायद वर्क कर रही है, स्नाइपर में ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये थी TDM वेयरहाउस की एक कमाल की ट्रिक, उम्मीद करूंगा आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों आज की जो हमारी दूसरी ट्रिक है ये क्वारी में वर्क कर रही है। क्वारी के यहाँ पे आपको ये एक छोटी सी बिल्डिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे लास्ट सर्कल बनता है तो आप चिकन डिनर कर सकते हैं इजीली ये ट्रिक का यूज़ करके। मैंने यहाँ पे इस ट्रिक का यूज़ करके काफ़ी सारे बंदों को किल किया है और अपने टीममेट्स को बचाया है कई बार। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके एकदम इजीली बंदों को किल कर सकते हैं और चिकन डिनर ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वॉल के पास आना होगा, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, और इसके ऊपर आपको जंप लगाना है। यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे मैं जंप कर रहा हूँ, उसके बाद आपको ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। मैं नीचे आ गया, फिर से ट्राई करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद वापस से हम इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए हम इसके ऊपर आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लेना है, जो आपका कैरेक्टर है उसे बीच में कर लीजिए वॉल के। उसके बाद सामने की तरफ भागते हुए एक जंप लगाइए, फिर अब आपको धीरे 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 आगे आना है और यहाँ से आपको एक जंप लगानी है और आप इसके छत के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, अब भाई इसके छत के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे कोई नहीं देख पाएगा क्योंकि साइड साइड में आपको कवर दिया गया है। यहाँ पे प्रॉन हो जाओगे तो लास्ट सर्कल में आप इजीली जितने भी सांप बने बंदे हैं मार सकते हो। यहाँ पे एक बंदे को मैंने देख लीजिए इजीली किल कर दिया, उसे थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसे ही आप इजीली चिकन डिनर ले सकते हो। जहाँ दोस्तों सेशन आपने अगर लास्ट सर्कल यहाँ पे बनता है, कई बार यहाँ पे बना है, मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा। तो ऐसे टाइम पे आप इस ट्रिक का यूज़ करके बंदों को किल कर सकते हैं और अपनी स्क्वाड को बचा सकते हैं और चिकन डिनर भी ले सकते हैं।
तो ये है हमारी सेकेंड ट्रिक। दोस्तों आज की जो हमारी लास्ट ट्रिक है ना भाई, ये स्कूल में वर्क कर रही है। यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, स्कूल में आपको ये एक ही बिल्डिंग देखने को मिल जाती है रेड कलर में। तो इस बिल्डिंग में आपको बताऊंगा कैंपिंग के लिए कमाल की ट्रिक। अगर आप कैंपर हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी ये ट्रिक, इजीली आप सारे के सारे एनिमी को किल कर दोगे। तो उसके लिए सिंपली आपको इस बिल्डिंग की गैलरी में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इसके ऊपर जंप लगाना है और इस डोर के जरिए आपको छत के ऊपर जाना है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं और इस छत के ऊपर आप चढ़ जाइए। यहाँ पे आप देख लीजिए हम इसके ऊपर आ गए। अब आपको करना क्या है, इस डोर को एकदम जो है बंदूक से आप इसे गन से मतलब कि तोड़ दो। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं मैं इसे तोड़ देता हूँ पूरा का पूरा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब इस ट्रिक का यूज़ कोई भी नहीं कर पाएगा। ध्यान दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस मैच में सिर्फ और सिर्फ आप इस छत के ऊपर हो और यहाँ पे कोई ट्राई भी करेगा ना तो भी नहीं आ सकता। और आप इजीली यहाँ पे बैठ के कैंपिंग कर सकते हो। लास्ट जोन में अगर यहाँ पे बनता है तो चिकन डिनर भी ले सकते हो। यहाँ दोस्तों सही सुनो आपने, अगर इस बिल्डिंग पे लास्ट सर्कल बन गया ना तो भाई चिकन डिनर तो लिख के ले लो, क्योंकि सारे के सारे जो एनिमी हैं वो आपको नीचे ही खोजते रह जाएंगे और आप ऊपर यहाँ पे बैठे रहोगे। और दोस्तों यहाँ से आप इजीली सांप बने बंदों को भी किल कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी वाली ट्रिक पसंद आई वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और दोस्तों अगर आप एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन दबा देना। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक करो, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5,000 बोला हूँ तो प्लीज़ इस बार पूरा कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।